हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये आज हम रीड आउट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास का ये फोर्थ पार्ट, चौथा भाग। ठीक है, इसमें आज का ये पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसमें बोल रहे किस वर्ष ब्यास और सतलुज, ब्यास और एक मिनट, सतलुज के बीच के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। ठीक है, तो ये जो ब्यास नदी थी और सतलुज के बीच की जो प्रभुसत्ता थी, ठीक है, तो वो आपका लाहौर की संधि जो 1847 में हुई थी, ठीक है, सिखों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद जो थी वो आपका ये अंग्रेजों के अधीन आ गए थे, ब्रिटिश जो थी सरकार के अधीन आ गए थे, जो ब्यास और सतलुज के बीच वाली, जिसमें हमारे पास मेनली क्या क्या आता था, कांगड़ा वाला एरिया आता था, कुल्लू वाला एरिया आता था, लाहौल स्पीति वाला एरिया आता था, ये सारा क्षेत्र जो था वो आपका बाद में ब्रिटिश के अंडर आ गया था 1847। और इसमें संधि याद रखना, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रीटी है, लाहौर की संधि इसे कहा जाता है। ठीक है, सेकंड थिंग्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। शिमला भारत में एकमात्र ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पर वायसराय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त रख सकता है था, ये किस वायसराय ने कहा था। जब शिमला को जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी नियुक्त बनाना था, तो उस टाइम ये सुजेशन दिया हुआ था लॉर्ड कर्जन ने, कि लॉर्ड कर्जन जी का मानना था, जो वायसराय थे, ठीक है, उनका मानना था कि ये एक ऐसी जगह है, शिमला इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो अपने आपको एक वायसराय जाए जो है दफ्तरी ताम झाम से मुक्त रख सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसी के बिहार पर फिर उस शिमला को एक तरह से ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो चयन किया गया था, सिलेक्ट किया गया था। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाते हम। नाल देहरा, ठीक है, नाल देहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था, वह वायसराय कौन था, ये भी लॉर्ड कर्जन जी थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जी ने क्या किया था कि वही अपनी बेटी का नाम भी, अभी नाल देहरा की जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसके बिहाव पर वहाँ से इम्प्रेस होकर के अपनी बेटी का नामकरण किया हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन जी ने। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर, चौपाल, जिब्बल और रविनगढ़, ठीक है, ये रविनगढ़, ठीक है, ये वाले जो क्षेत्र थे, क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया। ये जो गोरखाओं का जो 1815 में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में, तो ये जेम्स बेली फ्रेजर, ठीक है, अंग्रेजों की ओर से उनने ये युद्ध लड़ा हुआ था, ये गोरखा, ये आपका अंग्रेज, ठीक है, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1815 ईस्वी में, ये नोट रखना। तो उस टाइम ये थे जेम्स बेली फ्रेजर जो थे, उनने वो कमांडर थे किन की ओर से, अंग्रेजों की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अपने देशी रियासत को स्वतंत्र घोषित करने पर सिंगापुर में किसे निर्वासित किया गया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपका। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उन देशी रियासत को स्वतंत्र घोषित करने पर सिंगापुर में किसे निर्वासित किया गया था, मतलब इसको किसे पकड़ करके मतलब एक तरह से जेल में कर दिया गया था, तो वो पर्सन थे वजीर राम सिंह पठानिया को। तो वजीर राम सिंह पठानिया जो थे वो नूरपुर के थे, ठीक है, पठानिया से भी ऐसे आप गैस कर सकते हैं कि ये नूरपुर से थे, ठीक है, और वजीर थे, तो इनको क्या किया गया था, जब इनने एक तरह से एक कांगड़ा से थे प्रमोद जी, ठीक है, तो इनके खिलाफ कांगड़ा से प्रमोद सिंह जी राजा, और जसवा, जो जसवा को हम ऊना बोलते हैं जो प्रेजेंट में, ठीक है, और दत्तात्पुर के जो राजा थे उनने भी इनको हेल्प की थी 1848 में। ये एक तरह से इनने अंग्रेजों के खिलाफ अपना अभियान छेड़ा हुआ था, जिसके बेस पर इनको क्या किया गया था, जो प्रमोद चंद थे कांगड़ा के, तो इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज कमिश्नर जो कमिश्नर लॉरेंस थे उनने क्या किया कि प्रमोद चंद को अल्मोड़ा में भेज दिया, ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अल्मोड़ा में भेजा और वजीर सिंह पठानिया को सिंगापुर में भेज दिया, ठीक है। तो इनको और वहीं पर उनकी डेथ भी हो गई, अल्मोड़ा में जो प्रमोद सिंह की, और सिंगापुर में जेल में ही जो आपके वजीर राम सिंह पठानिया के, ठीक है, नूरपुर के जो थे, ठीक है। तो बाकी जो नूरपुर के राजा वीर सिंह के पुत्र जो जसवंत सिंह थे, उनने 2,000 रुपये की जागीर दे दी थी बाद में, ये उस हिसाब से उनको बाप, ये भी आप लॉर्ड डलहौजी वाला जो था कि उसमें बैठे के जो पर्सन जिसका आगे कोई नहीं होगा वो अंग्रेजों के उसमें मिला दिया जाता था, ये चीज़ें भी आपको पता है, ठीक है गाइज। यही 5 क्वेश्चन थे आज के, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, ठीक है।